This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. गुड इवनिंग दर्शकों, आज की तारीख है 13 अगस्त 2022। मैं कीर्ति आपका स्वागत करती हूँ लोकल टीवी पर। तो आइए जानते हैं 13 अगस्त के शाम के कुछ खास समाचार हेडलाइंस के जरिए। फिर से पेनगंगा पुल बंद, पूरे जिले में 2K रन, एबीवीपी का वृक्ष मित्र अभियान, तस्कर चालाक, अधिकारी अति चालाक, किसान हुआ गायब। तो आइए दर्शकों जानते हैं समाचार विस्तार से। पेनगंगा नदी एक बार फिर से अपने पूरे उफान पर है। इस बार बाढ़ महाराष्ट्र में हो रही तेज वर्षा के कारण आई है। पेनगंगा की सहायक नदी वर्धा नदी महाराष्ट्र के अमरावती और वर्धा जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण तेजी से भर गई है, जिसका पानी पेनगंगा में भी आ गया है। पेनगंगा के आसपास के इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सिरपुर मंडल के वेंकटराव पेट के महाराष्ट्र के गोंड पीपरी को जोड़ने वाले मुख्य ब्रिज का है। पानी न सिर्फ खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, बल्कि अब तो ब्रिज के ऊपर भी पानी का बहाव शुरू हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज को यातायात के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, इस सप्ताह आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे जिले में फ्रीडम रन कार्यक्रम किया गया। आसिफाबाद में हुए इस कार्यक्रम में कलेक्टर श्री राहुल राज जी ने भाग लिया। वहीं कागज नगर में हुए फ्रीडम रन में जिले की एडिशनल कलेक्टर चाहत वाजपेयी जी ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा पकड़कर दौड़ लगाई और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जगह जगह पर लोगों ने पानी और स्नैक्स के स्टॉल्स भी लगाए थे। पुलिस विभाग ने इस कार्यक्रम में भाग लिए सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी। दर्शकों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आगे जानेंगे कि एबीवीपी ने कौन सा अभियान शुरू किया है सागवान की चोरी और लापता भगवान दास के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। तो आइए जानते हैं आगे के समाचार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में वृक्ष मित्र नामक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत एबीवीपी के सदस्य पूरे देश में न सिर्फ पौधे लगाएंगे, बल्कि छोटे से लेकर बड़े वृक्ष तक हर वृक्ष का ध्यान रखेंगे और उनको बढ़ने में सहायता भी करेंगे। इस अभियान को देश के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में किया जाएगा। वृक्षों की सहायता के लिए विशेष रूप से स्कूल्स और कॉलेजेस में मौजूद बायोलॉजी के अध्यापकों की विशेष सहायता ली जाएगी। दोस्तों, पिछले दिनों हमारी एक खबर में हमने आपको जैनूर में हुए एक छापेमारी के बारे में बताया था, जिसमें लाखों रुपए की सागवान की लकड़ियों की अवैध रूप से तस्करी की जा रही थी। पिछली बार इस तस्करी को एक डीसीएम लॉरी में अंजाम दिया जा रहा था, जो कि नाकाम रहा। अब वन विभाग के अधिकारी राह चलते हर डीसीएम पर नजर बनाए रखे थे, इसलिए इस बार तस्करों ने बड़ी ही चतुराई से तस्करी को कार में अंजाम देने का प्रयत्न किया। इस बार उन्होंने लकड़ियों को पहले से ही छोटा छोटा काट कर दो कारों में भर लिया। कार आसिफाबाद से आदिलाबाद की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर भी वन विभाग के अधिकारियों ने अपने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पक्का समाचार निकाल कर इन तस्करों को रंगे हाथों दबोच लिया। इनकी पकड़ी गई लकड़ियों की कीमत 1,65,000 बताई जा रही है। बेजर मंडल के पापनपेट गांव में एक किसान लापता हो गया है। सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि स्थानीय निवासी भगवान दास मांडे खेत में काम करने गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। पता नहीं आखिर वो कहां गए। उनके पास कोई फोन भी नहीं है जिससे कि पता कर सके। गांव वाले उनकी तलाश में हर जगह घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लापता होने की सूचना बेजर पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस को ऐसा शक है लापता हुए भगवान दास शायद प्राणहिता नदी के तेज बहाव के चपेट में आ गए हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है।
कि किसी कारणवश वो प्राणहिता नदी में डूब गए हों और तेज बहाव में बह गए हों। इनकी तलाश अभी जारी है। तो दोस्तों, 13 अगस्त के शाम के समाचारों में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपके मित्र और परिजन भी कागज नगर और आसपास के समाचारों से अवगत रहे तो प्लीज उन्हें वीडियोस जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे कल और भी कुछ खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मैं कीर्ति लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।